सुंदर भजन गाते हैं आपको सुंदर शादी अब प्रवचन का समय हो गया है पर प्रवचन से पहले सूचना देना चाहेंगे कल शनिवार कल का कार्यक्रम है और कार्यक्रम प्रवचन ऐसी शारदा पढ़ाई प्रवचन के बाद कल बच्चों का कार्यक्रम होगा जब प्रवचन पूरा हो जाएगा आइए अब हम परम जुमानिया, परम विराट की पूर्ण पूर्णा प्रशांड पंडिता कहूँ पंडित सुंदर प्रवचन करती है कल आपने आधा घंटा प्रवचन कर जो धूम मचाई है सारा सुंदर बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम परिणाम अशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पल पल करू प्रणाम श्री प्राणी नाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नही बाहें ग्रहे की लाज। धनी धनवट करे त्यारे ना नरे वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे मन चितव्या कारज सरे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय परम शर्द परम पूजनीय श्री एच के एल आहुजा जी मनीष भाई जी एवं संबंधी श्री राज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजमा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम लाडले सुंदर साथ जी आइए पहले भजन की दो लाइनें गाते हुए फिर वाणी चर्चा प्रकाश हिंदी प्रारंभ करेंगे ठीक है सुंदर साहब जी मेरे साथ गाना बहुत आनंद आएगा अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो असल तनों की फरा मोशी हटा दो असल तनो की फर मोशी हटा दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो असल तनो की फर मोशी हटा दो असल की फर मोशी हटा दो बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना 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 दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो असल तनों की मोशी हटा दो असल तनों की हटा दो बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो ब्रिजरास रास जागनी की कर धनी बातें ब्रिजरास रास जागनी की कर धनी बातें तीनों बार मांडो में कैसी मुला काते तीनों भर मांडो में कैसी मुलाकाते ब्रिजरास जागनी, ब्रिजरा जागनी की करे धनी बातें ब्रिजरास जागनी की करे धनी बातें तीनों भर मांडो में कैसी मुलाकाते तीनों भर मांडो में कैसी मुलाकाते इश्क भी देख ली है अब तो बुला लो इश्क सां भी देख ली है अब तो बुला लो इश्क सां भी देख ली है अब तो बुला लो बहुत बीते मीठी बातें बाते सुना दो बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो अब तो धनी जा दो असल तनुकी फरामोशी हटा दो असल तनुकी फरामोशी हटा दो बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना 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 बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय आइए लाडले सुंदर जी हम प्रकाश हिंदी की चर्चा की तरफ चलते हैं धाम के धनी कल हमें फरमा रहे थे आपन करी जो पहले चाल प्रेम मगन बीते जो हाल ए सब किया अपने कारण पैड़ा अपना चलन ऐही पेड़ा अपना चलन दिखलाया सब प्रकट कर बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर साथ जी कल हम ब्रिज की लीला सुन रहे थे कि श्री इंद्रावती जी की आत्म हम समस्त सुंदर साथ को प्रकाश हिंदी के अंदर बार बार ब्रिज और रास की बातें बता बता के हमारे चित्त को हमारी सुरता को उस अखंड ब्रिज के अंदर लेके जा रही हैं अखंड रास के अंदर लेके जा रही हैं वो बार बार वाणी के अंदर फरमा रही हैं हम ही आए ब्रिज रास में हम ही आए इत घरों बैठे देख ही तमाशातित तमाशा तीत देखिए श्री इंद्रावती जी की आत्म को के लाडले सुंदर साज़ जी, जी की आत्म अपने अंदर मिला के कह कि हम ही आए ब्रिज रास में अरे ब्रिज के अंदर जो गोपी बन के आए थे वो कोई दूसरा नहीं था वो गोपी बन के आने वाली आत्माएं हम ही थे और बांसुरी बजती गई संध्या वेन संध्या समय समय वेन के जैसे ही बांसुरी बजी हम सब अपने घर को छोड़ के परिवार को छोड़ के कुटुम्ब कबीले को छोड़ के हम कैसे श्री कृष्ण जी के प्रेम में मस्त होके दौड़ के, के महाराज के अंदर प्रवेश किया और हम बैठे कहा है हम परम धाम के अंदर हमारे पर आत्म वाले तन वहीं विराजमान हैं और वहीं बैठे बैठे हम ये तीसरा भी जागनी का ब्रह्मांड देख रहे हैं और तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म हम सुंदर साथ से कह रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी दिखलाया सब प्रगट कर कहते सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने चौतीस वर्ष तक आड़ी का लीला करी और वो चौतीस वर्ष तक जो आड़ी का लीला की लाडले सुंदर जी, उसमें धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रिज की लीला का वर्णन करते रास की लीला का वर्णन करते और इतना ही नहीं परम धाम के अंदर बैठी हुई जितनी भी ब्रह्म आत्माएं उनके सामने कोई आ जाती तो वो उनके पर आत्म का नाम बता देते और इतना ही नहीं उसकी बैठक मूल मिलावे में कहा है वो भी उसको मूल मिलावे की परिक्रमा करवा के और उसको अपनी बैठक याद दिलाते कि देखिए आप कहा बैठे हो चौतीस वर्ष तक श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर आड़ी का लीला चलती रही लाडले सुंदर साहब जी और चौतीस वर्ष तक धनी श्री देव जी महाराज 313 आत्माएं जिन्होंने जागृत करी वो ब्रह्म आत्माओं को प्रत्यक्ष ब्रज रास और जागनी की बातें भी किया करते थे ब्रज और रास की लीला प्रत्यक्ष रूप में दिखा के और आत्माओं को जागृत किया और श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है इतना ही नहीं दिखलाया सब प्रकट कर साथ सकल ली जो चित धर कहते ब्रह्मात्माओं को विश्वास हो जाए कि ब्रज की लीला भी हमारी है रास की लीला भी हमारी है इसीलिए जब श्री इंद्रावती जी की हवसा के अंदर गए लाडले सुंदर साथ जी, हवसा के अंदर साक्षात श्री जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप में हमें पता है भी तक के अंदर हमने सुना कि पहले सतगुरु धनी श्री जी ने दर्शन दिया फिर श्यामा जी महारानी ने दर्शन दिया और श्यामा जी महारानी के बाद साक्षात श्री जी महाराज ने दर्शन दिया और दर्शन दे के सबसे पहले रास की रामते पहला प्रकरण अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे शोभा कहू घनी वर्णी जे अखंड स्वरूप पहले श्यामा जी महारानी की शोभा का वर्णन हुआ लाडले सुंदर जी वो श्यामा जी महारानी का स्वरूप का जो वर्णन हुआ है वो अखंड रास के अंदर श्री राधा रानी जी के स्वरूप का वर्णन है जो हम रास ग्रंथ के अंदर पढ़ रहे हैं आप रास ग्रंथ उठाइए पढ़िए वो श्यामा जी कह रही हैं जिनको श्री सिरजी साहेब जी अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे जो वर्णन कर रहे हैं वो राधिका रानी जी के स्वरूप का वर्णन है रास के अंदर और जो श्री राजी के स्वरूप का वर्णन है जिसके ऊपर लिखा है श्री राजी का स्वरूप वो जो श्री राजी महाराज ने दर्शन दिए वो साक्षात श्री कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन है आप देखिए उसमें श्री इंद्रावती जी ने उस श्री राजी महाराज के स्वरूप के वर्णन के अंदर जो श्री राजी दर्शन दे रही हैं, तो वहां बांसुरी का वर्णन कर रही हैं कि कैसी बांसुरी है मेरे प्रीतम के हाथ में कैसे सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्री जी के स्वरूप का वर्णन और इधर लिखा हुआ रास में श्री श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन है ना तो लाडले सुंदर साजी वो रास ग्रंथ के अंदर अखंड रास के अंदर श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन और श्री कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन श्री इंद्रावती जी ने प्रीतम धनी श्री राज कै के किया कि कैसी अखंड लीला हमारे धाम के धनी ने दिखाई और सबसे पहले हवसा के अंदर जो श्यामा जी महारानी दर्शन दे रही हैं है ना और श्री राजी दर्शन दे रही हैं उसके बाद रास की राम तो का वर्णन होता है लाडले सुंदर साहद जी श्री इंद्रावती जी की आत्म को हवसा के अंदर सर्वप्रथम महारास रास की कितनी रामते उतरी और श्री इंद्रावती जी ने हवसा में बैठ के सर्वप्रथम जो अपने प्रीतम के साथ श्री इंद्रावती जी ने रास खेली थी वो रास का दीदार कराया इसीलिए कहा बार बार के प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी कई ब्रज तनी आवार इसीलिए कहा एने पगले अपन परमान सुंदर साथ जी इन्हीं कदमों पे हमें चलना है अगर सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज अखंड ब्रज रास की लीला का वर्णन नहीं करते और हवसा के अंदर धनी साक्षात महाराज नहीं दिखाते तो हमें कैसे विश्वास होता कि ब्रजमंडल मंडल के अंदर भी हम ही आए रास के अंदर भी हम आए श्री इंद्रावती जी की आत्म की चौपाई सुन लीजिए फिर विश्वास करना क्योंकि वो कह रही हैं दिखलाया सब प्रगट कर सात सकल लीजो चित धर सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय में आके भी उन्होंने अखंड ब्रज रास को प्रकट करके दिखाया आड़ी का लीला में दिखाया और श्री पांच नवतनपुरी धाम में श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री मेहराज जी जब हमसा के अंदर तेरह महीना तक अंदर रहे तो वहां तेरह महीना के अंदर भी ये रास की रामते उतरी है लाडले सुंदर जी रास प्रकाश खटरुति और कलश की दो चौपाइया पर सबसे पहले रास का वर्णन किया क्यों किया क्योंकि हम ही थे ब्रिज के अंदर आने वाले हम ही थे रास के अंदर आने वाले और श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है सात सकल लीजो चित धर ए सुंदर साज जी अपने हृदय के अंदर इस लीला को रख लो चित के अंदर धारण कर लो ब्रिज की लीला भी हमारी है रास की लीला भी हमारी है ए जिन करो तुम हल्की बान कान खोल के सुन लीजिए सुंदर साज जी मैं नहीं कह रही श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि ब्रिज की लीला को और रास की लीला को हल्का मत समझना ये ब्रिज की लीला और रास की लीला जो है लाडले सुंदर धनी कहावत अपनी जान कह रही है श्री इंद्रावती जी की आत्म ए जिन करो तुम हल्की बान धनी कहावत अपनी जान इन वचनों को हल्का मत लेना ब्रिज की लीला को रास की लीला को आपके साथ निस्वत है आपके साथ संबंध है इसलिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री इंद्रावती जी के हृदय हिर, में विराजमान होके बार बार वर्णन कर रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये ब्रिज और रास की लीला से मुख मत फेरना ये हमारी ही लीला है बोलिए श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर साहद जी इधर समय हो चुका है लेकिन इधर फेसबुक पे अभी आधा घंटा चर्चा चलेगी तो अभी आपके श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं जो आप ये सेवा करने का मौका दे रहे हैं श्री एच के एल आहुजा जी श्री मनीष जी आपके श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी प्यारे सिमन शाह जी हम अपने परम सबानिया सैन शारदा प्रणामी से रज और राज का वर्णन हमसा के अंदर जब श्री प्राणनाथ जी श्री महराज के रूप में थे और वहां उन्होंने श्री राज के दर्शन किए श्यामा महारानी के दर्शन किए और श्यामा महारानी के, के स्वरूप में उस पर लिखा है श्री ठकुरानी जी का स्वरूप और उसमें छियासठवीं सिपाही में लिखा है श्री कृष्ण केसरी और भांग बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो श्यामा राधा ही थी जिनके उन्होंने दर्शन किए और राजी श्री कृष्णी के साथ बहुत सुंदर वर्णन सुना और बहन ज्यादा प्रणामी रविवार परसों आपकी आधे घंटे की चर्चा रहेगी क्योंकि पंद्रह मिनट में मन नहीं भरता सुप्रता का आपकी आनंद वर्षा का आनंद इतना है लोग ज्यादा से ज्यादा स्नान करना चाहते हैं कल तो बाल कार्यक्रम है मंच है आपके प्रोचन के बाद कल का समय यही रहेगा बहुत बहुत प्रणाम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर साज जी तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कैयत सदा प्रबोध वचन पर कबू ना बानी ए उत्पन्न लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं कि ज्ञान रूपी वचन तो दुनिया के अंदर बहुत आए शुरू से लेके आज तक वेदों का उपनिषद का सारा ज्ञान है लेकिन फरमारिये कब पर कब ए बानी ना उत्पन्न लेकिन आज तक इस संसार के अंदर ये तारतम वाणी ना पहले कभी आई थी और ना कभी आगे आएगी जो ब्रह्मवाणी प्रकट प्रगट हुई है इस अट्ठाईसवे कलयुग के अंदर उस ब्रह्मवाणी के लिए धाम के धनी फरमा रहे हैं कि पर कबू ए उत्पन्न ये वाणी पहले कभी प्रगट नहीं हुई तीन कारण तुम सुनियो साथ आपन में आए श्री प्राणनाथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर साची श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती है तीन कारण तुम सुनियो साथ इसलिए कह रही हूं ए लाडले सुंदर साजी जी इस वाणी चर्चा को सुन लो इस वाणी को पढ़ लो ये वाणी को पाने के लिए आपके जीव ने जन्म जन्मांतर तक पता नहीं कितनी तपस्या करी है ना कितने जप तप ध्यान करके तब जाके सुंदर साजी जी हमें ये वाणी मिली है और श्री इंद्रावती जी कहती हैं ये वाणी इस ब्रह्मांड के बाद धनी के दिल के अंदर समा जाएगी इस वाणी का दर्शन दीदार हमें कभी परम धाम के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि ये मधु सागर ये इलम का सागर ये धनी के दिल में समा जाएगा लाडले सुंदर जी श्री इंद्रावती जी की आत्म हमें बार बार कह रही है तीन कारण तुम सुनियो साथ इसीलिए कह रही हूं के ऐ सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी की चर्चा को सुन लो ये ब्रह्मवाणी को तारतम वाणी को पढ़ लो अपन में आए श्री प्राणनाथ हमारे हृदय के अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म करवाती है मेरे हृदय के अंदर वो पार ब्रह्म अक्षरातीत मेरे प्राणों के नाथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और उनके अंदर तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम इस रूप के संग है ना वो साक्षात राज श्यामा जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर आके विराजमान हुए और वही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात श्री इंद्रावती जी की आत्म के अंदर विराजमान हो गए ता कारण सुनियो साथ आपन में आए श्री प्राणनाथ श्री इंद्रावती जी कहते ये मैं नहीं कह रही अपने बीच में वो प्राणों के नाथ वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हमारे हृदय के अंदर आ गए हैं और हृदय के अंदर आके ये वही वाणी कहला रहे हैं बहुत सी खापन विधि कही पर नींद आड़े कछु हृदय ना रही श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं लाडले सुंदर साथ जी, मेरे सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें शिक्षा देने के लिए अनेको प्रकार से आड़ी का लीला की चौंतीस वर्ष तक करते रहे अनेको प्रकार शिक्षा देते रहे पर नींद आड़े कछु हृदय ना रही ऐसा हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा था ऐसा नींद का पर्दा था उनकी शिक्षा हमारे हृदय में रह नहीं सकी नींद उड़ाओ देखने चल रास कह रही है की सुंदर साजी जी नींद को उड़ाना है तो उस अखंड रास को याद कीजिए कि किस प्रकार वाला जी के साथ श्री कृष्ण प्रीतम के साथ हमने महारास की और महारास के अंदर हमारे प्रीतम ने हमारे धनी ने हमें कितना प्यार किया लाडले सुंदर साजी जी जो हृदय होए पी को प्रकाश कहते उस महाराज को याद करो और महाराज को याद करोगे तो धाम धनी का स्वरूप हमारे हृदय में आएगा और जब धाम धनी का स्वरूप हमारे हृदय में आएगा तो फरामोशी उड़ जाएगी नींद उड़ जाएगी लाडले सुंदर साहब जी और श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं जो हृदय होए पीयू को प्रकाश जब पियाजी हृदय के अंदर आ जाएंगे तो वो दिव्य प्रकाश हमारी आत्म जागृत हो जाएगी वो परम धाम का नूर वो परम धाम का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय के अंदर आएगा लेकिन कैसे आएगा लाडले सुंदर इस वाणी के द्वारा इस लीला के द्वारा क्योंकि ये वो लीला है आज तक दुनिया के अंदर किसी ने भी प्रकट नहीं की लाडले सुंदर जी हमने सुना अभी कि इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज्ञान आया पर ये वाणी कभी प्रकट नहीं हुई ऐसी वाणी लेकर ऐसा खजाना लेकर सतगुरु जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हमारे बीच में आए हैं अब नींद किए की नहीं है बेर अब समझा रही है श्री इंद्रावती जी की आत्म कि अब नींद लेने का समय नहीं है अभी हमें अज्ञानता की नींद के अंदर नहीं रहना कौन सी नींद की बात कर रहे हैं जो हम छे घंटे सोते हैं ना उसकी बात नहीं कर रहे क्या कौन सी नींद है मोह की नींद ममता की नींद लोभ की नींद लालच की नींद अज्ञानता की नींद है ना इसको नींद कहा है जिसको कहा भट्टो तीन नींद को जिन सुहागनिया दया बुलाए तो भी निगोड़ी ना उड़ी धनी के बुलाए बुलाए भट्टो नींद को उस नींद को का किस मोह रूपी नींद को इस ममता रूपी नींद को भट्टी में डाल दो जो सुहागनिया बुलाए जो परम धाम की सुहागिन आत्माओं को भी इस मोह की नींद ने भुला दिया है ना धाम के धनी इस नींद की बात कर रहे हैं मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल सब जन ए नाम सारे नींद के मोह अज्ञानता भ्रम भ्रम क्या है क्योंकि ये संसार है नहीं तभी हम भ्रम में बैठे हैं। परम धाम सच्चा है धनी सच्चे हैं, लेकिन हम इस कुटुम कबीले परिवार को सच्चा समझ के जो भ्रम है उस मोह की नींद के अंदर सो रही हैं और धनी फरमा रहे हैं अब नींद किए कि नहीं है बेर पीओ आए बुलावन उड़ाए अंधेर अब नींद करने का समय नहीं है प्रीतम हमारी नींद को उड़ाने के लिए अब दूसरी बार पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में आए अब दूसरी बार स्वामी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं पहले कया पियू प्रगट पुकार अंतर रह कहलाया आधार जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज थे तो वो प्रगट होके ब्रजराज की लीला सुना सुना के जागनी कर रहे थे और श्री इंद्रावती जी कहती हैं अंतर रहे कहलाया आधार और कहते अब के अंदर वो मेरे आधार वो मेरे प्राणों से प्यारे मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे हृदय के अंदर साक्षात आके फिर से बुला रही हैं फिर से ब्रह्मात्माओं को आवाज लगा रही हैं कि ए परम धाम की आत्माओं तुम जाग जाओ क्योंकि हम सब आत्माएं खेल देखने के लिए इस संसार में आए पी पांच बेर हम वास्ते खेल में आप पांच बार पहले ब्रिज में आए फिर रास में आए फिर मोहम्मद साहब जी के स्वरूप में फिर सतगुरु धनी श्री जी के स्वरूप में और पांचवी बार स्वामी श्री प्राणनाथ जी बन के आए तो लड़ सुंदर सा जी हमें धाम के धनी फरमा रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी पहले कहा पियू प्रगट पुकार अंतर रहे कहलाया आधार तो कहते पहले हमें हमारे जीवन के आधार सतगुरु देव चंद्र जी महाराज धाम हृदय में विराजमान होके बार बार हमसे ये कहला रही हैं बार बार हमारे हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं मोहे एक वचन न आवे अस्तुत इंद्रावती जी की आत्म फरमाती है कि मैं धनी की महिमा के लिए, के लिए लिए उनकी स्तुति एक वचन भी कहना चाहूं तो स्तुति के लिए एक शब्द नहीं है मुझे उनकी महिमा गानी नहीं आती स्तुति करनी नहीं आती पर शोभा दई जो काल लेकिन मेरे धन धनी ने मेरे इस तन के द्वारा इस काल बुद्ध के द्वारा इस काल बुद्ध को इतनी बड़ी शोभा दे दी परम धाम की का अवतरण श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है इस तन के द्वारा धनी ने कर दिया ध्यान से सुनना चौपाई को फिर से सुनो ताकि आप पढ़ो तो याद आ जाए मोहे एक वचन न आवे अस्तुत स्तुति के लिए मुझे एक शब्द कहना नहीं आता प्रशंसा के लिए कि मैं धनी की महिमा गाऊं धनी की स्तुति दु करूं पर शोभा दई जो काल और इस वाणी को कहला के इस वाणी को कहला के मेरे धाम धनी ने इस श्री मेहराज जी के तन को श्री इंद्रावती जी की आत्म को ये सारी शोभा खुद धाम धनी ने दी है अस्तुत की इत कैसी बात कहते स्तुति की तो क्या बात करूं महिमा की तो क्या बात करू प्रकट होने करी विख्यात कहते मुझे प्राणनाथ के स्वरूप में प्रसिद्ध कर दिया श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है स्तुति की तो बात क्या करूं मुझ श्री इंद्रावती को मेरे प्रीतम ने प्राणनाथ बना के विख्यात कर दिया दुनिया के अंदर प्राणनाथ बना के और विश्व ब्रह्मांड में घोषणा कर दी कि मेरी श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे श्री इंद्रावती मेरो अंग जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती भेले रमाडू रंग ये करा मेरे धनी ने ये इतनी बड़ी मेरी महिमा बढ़ा दी मेरे काल बुद्ध के अंदर मेरे इस पांच तत्व के शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि धनी की स्तुति कर सकूं धनी की महिमा गा सकूं लेकिन ये ब्रह्मवाणी वाणी अमृत वाणी का मुझसे अवतरण करवा के मेरे हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी आ गए और धाम के धनी मेरे हृदय में विराजमान हो गए और मुझे अपने जैसा बना लिया मोहे एक वचन न आवे अस्तुत पर शोभा दई जो काल बुत अस्तुत की इत कैसी बात प्रगट होने करी विख्यात प्रगट होने करी विख्यात बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर जी हमारा समय हो चुका है समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम कल फिर मिलते हैं रात साढ़े आठ बजे ठीक है तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय